हाँ तो गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु अर्जन देव जी बाणी लिखी जाती है। आप एक छोटे जे शब्द थोड़िया जी लाइन गुरु मत संत मत बड़े प्यार न समझाते हैं। साढ़े अगे दो ही रस्ते हैं, या गुरु मत है या मन मत है। इसे तरह मुसलमाना के अंदर भी दो ही मत करके बयान किए हैं, शैतान का रा या परमात्मा का रा खुदा का रा। मन मत उस कहते हैं कि मन दे के चलना, गुरु मत उस कहते हैं कि अपने मत को छोड़ के गुरु के मत उत्ते चलना। सवाल पैदा होता है ये की फर्क है मन मत और गुरु मत के। मन के कहे असि रिश्ते नाते मजब कबूल करते हैं, मन के कहे ही असि लड़के एक दूसरे नाल लड़ते या झगड़ते हैं। अज हिंदू मुसलमान की होर समाज में एक दूसरे मुल्क की क्यों लड़ाइया लड़िया हैं, सारे असि मन का कहा मनते हैं, मनते अंदर हैं। संत कहते हैं थोड़ा दुनिया की कोई दुश्मन नहीं गा, थोड़ा दुश्मन थोड़े अंदर थोड़े मन बैठा है। और दो रस्ते है, एक चौरासी में जाता है, एक उपर सचखंड में जाता है। अगर असि मन दे कहे चल के शराबा कबाबा भेड़े खोटे कर्म कर रहे हैं तो तेरी सजा नरक और चौरासी है। अगर असि गुरु मत पे चल रहे हैं तो नाम की कमाई शब्द की कमाई कर रहे हैं, तो अंदर जाके असि प्रभु मिल लेने हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज सानू दसते है कि बेशक सब संतान ने किसी महात्मा की बाणी पढ़ के देखो, हरेक ने यही लिखे है कि वो परमात्मा सब दे अंदर है, वो कर्म कारण है, वो घर घर के विच विराजमान है। लेकिन असी बजाए ये चीज समझण दे उस प्रभु नू मंदरां मस्तां ठाकुर द्वारां अंदर घूमते हैं या घर बार छड के जंगलों पहाड़ा अंदर घूमते हैं या ग्रंथा पोथियां अंदर घूमते हैं, लेकिन वो परमात्मा सब संतान ने कहा है कि थोड़े अंदर है। अंदर जाने वास्ते जरूरी है कि जेड़ा अंदर जाता है उन्हें मिलया जाए, उनकी संगत और सोबत का फायदा उठाया जाए, क्योंकि संत महात्मा किसी कौम या मजहब वास्ते नहीं होंगे, ना किसी कौम या मजहब के वास्ते वो प्रचार ही करते हैं, ना उन्होंने दिल में इच्छा ही होंगी है कि साड़ी केले ज्यादा हो, क्योंकि उन्होंने कोई आर्मी खड़ी नहीं करनी होंगी। उन्होंने मकसद तो यही होंगे है कि जो जीव उन्होंने संपर्क करता है, जिन्हों वास्ते कि प्रभु ने उन्होंने पास अमानत रखी है, उन्होंने उस रस्ते से प्रभु के रस्ते से नाम के रस्ते से पा देना डाल देना कि देख प्यारे आ सड़क आनी है। अगर ये सड़क के उत्ते तू चलिया जाएगा तो सीधा अपने घर जिथों को तेरी आत्मा शुरू तो आई है पहुंच जाएगा। संसंग दसते हैं कि जो असं मां के पेट में होंगे हैं उदो सू पूरी होश होंगी है, सुरत होंगी है, जन्मा जमात्रा का ज्ञान होंगे है, और वो बड़ी भयानक तकलीफ होंगी है। तकलीफ वेले हर एक वो परमात्मा की तरफ फरियाद करता है, तो मां के पेट अंदर भी यह फरियाद करता है कि हे प्रभु अगर मैं इस तो बन गुफा विचों जिथे कि मैं गुफा लग रहा हाँ बाहर की हवा में तरस रहा हाँ, अगर जे तू मैनु इत्थे रिहाई दे रहे ने बाहर कढ़ रहे ने, मैं तेरा भजन सिमरन करूंगा, सब तो पहला मैं तैनू ही पाऊंगा जो काम मैं पिछले जन्म
नहीं की तेरे को हूं जरूर करूंगा, लेकिन जब वो परमात्मा फरियाद सुनता है कि बाहर आ जाता है, बाहर की करता है, जो अखां अंदर प्रकाश को देख दिया सन, क्योंकि प्रकाश के सहारे, आवाज के सहारे ही मां के पेट में इसकी प्रवेश होती है, एक जीवन है उसे रखी होती है। जब यह बाहर आता है की देखना है कि माता पिता भैन भरा खुशियां मनाते हैं, उन्होंने तरफ लग जाता है, अंदरला जो प्रकाश है उन देखना हट जाता है, बाहर के सुहावने रूप सोने देखने च लग जाता है, दुनिया के नजारे च लग जाता है, कन्ना के नाल बाहरले राग सुनने शुरू करता है, अंदरले राग अंदरली आवाज जो कि मां के पेट में ताकत दे रही सी, उस आवाज में उस शब्द में उस गुरबाणी में उस कीर्तन में यह भुल जाता है, जिहड़ी जवान के अंदर अमर का रस चढ़ती सी उसनू बाहर दुनिया के चस्के दुनिया के स्वादा शराबा कबाबा के ला लिया, जो अंदर साडा अमृत पीने वाली जवान सी उहदा संपर्क टुट गया। इथों तक कि असी मालक तो मालक नूं बिलकुल ही भुला दिता, यह दुनिया के लिए आके सब कुछ अपना समझ लग पे, इथों तक अपनी मौत नूं भी भुल गए। हालांकि असी रोज अखां दे नाल आपदे साथियों नूं जीवन साथी जो साडे है उन्होंने संसार के जानदियां भी देखते हैं, ये भी असं देखते हैं कि वह खाली हथ गए, वो सब कुछ मर गए, इतों तक कि जो शरीर से वह भी इतने ही छड़ गए, लेकिन साडे कर्म उपर कोई जून नहीं दी कि किसी दिन साडा भी असर होगा, असं भी भरया बजार छड़ जावे, लेकिन नहीं, असं सोचते हैं कि मौत होरना वास्ते है, साडे वास्ते तो शराबा कबाबा है, ऐशो इशरत है। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ये छोटे जे शब्द विच सानू प्यार नाल कहिंदे है कि प्यारियो तुसी सुते इस संसार विच आए, सुते ही रहे और सुते चले जाना है। सवाल पैदा हुंदा है कि असीं कहांगे कि असीं जागदे हां, नहीं, जे जागदे होईए सानू कोई होश होवे साडे घर दी। मैं अपने गुरुदेव का वाकया दसदा हुंदा है, एक दफा असीं रात नूं पए सां, उहनां दी बड़ी दया सी क्योंकि संत सतगुरां दा प्यार, मैं दसदा हुंदा है कि जो मैनूं प्यार उहनां दे पासों मिलिया, क्योंकि मैं प्यार का पुजारी सी बचपने तों, वह प्यार का समुंदर सी, वह प्यार ही देने वास्ते आया सीगा। रात का टाइम सी, वो मेरी तरफ एक बैड के उत्ते सी पए सीगे, वो जाग रहे सीगे, पुछदे है की गल तू सुता है, हुण इस इशारे नूं जे हर व्यक्ति समझ लए तां तुसीं देखदे हो कि जिंदगी बन जाती है, आत्मा नूं अमृत मिल जाता है। मैं कहने कटाउण वाले उही मूंह जो सी, मैं कहने जी शरीर करके तो मैं थोड़ी तरफ देख ही रहा, पर अंदरों जन्मा जन्मात्रा का सोया होया है। उन्होंने प्यार करा उभार दिता, दृष्टि पाई, वो रस वो स्वाद वो खुशी जो आत्मा को उस वे मिली वो नर्जा में बयान नहीं करी जा सकती, क्योंकि सुते और जागते बड़ा फर्क होता है। जिहड़े असीं सब इत्थे बैठे हैं ते परमात्मा दे विछड़े हैं, इहदा मतलब है कि असीं अज तक सुते ही वक्त कढ़िया है। गुरु नानक कहिंदे जागो जागो सुते हो चलिया बंजारा, असीं इस दुनिया दे विच वंड करन वास्ते आए हाँ। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज अगे जा के दसणगे कि साध पूंजी सतगुर संग, क्योंकि किसी ने 20 साल वास्ते पूंजी मिली है, किसी ने 50-60 साल वास्ते मिली है,
87 साल वास्ते मिली है और इतों तक भी सानू पता ही है कि 50 साल तो उपर आम बुढ़ेपा आ जाता है, पिछली उम्र याददाश्त खत्म हो जाती है। जिस घर के किसी वक्त साडा कहा हुआ लफ्ज कानून हुंदा सीगा उस घर के बच्चे आवाज सुनो हट जाते हैं, सदना होंगी है कि बुढ़े को कौन पूछता है। इस वास्ते संत सानू बड़े प्यार नाल दसते हैं कि यह पूंजी के बह के वंड करना सी, यह पूंजी जो परमात्मा ने सानू उम्र भी दिती है वंड करन वास्ते दिती है, इहदे विच जो तुसीं पिछले जन्म विच नहीं कर सके वो परमात्मा की भक्ति है। लेकिन असी इस पूंजी नूं बनाउणा तां की सी, इहदे विच बह के परमात्मा दी तां भगती की करनी सी, लेकिन इस नूं असी शराबां कमाबां दे विच लोकां दी निंदिया चुगली दे विच बर्बाद करके जाने हैं। जो परमात्मा ने मौका दिता सी, जो पूंजी सौंपी सी, उस नूं भी असी गुआ के चले जाने हैं। गौर ने शब्द सुनने वाला है, सुनो। गौड़ी ग्वारे दी महला पंजवां पन्ना 182। नैनो नींद पर दृष्ट विकार श्रवण सोए सुन निंद विचार। नैनो नींद पर दृष्ट विकार श्रवण सोए सुन निंद विचार। आप कह लगे ओ परमात्मा की तरफ अखां बंद कीतियां दुनिया के नजारे च लग गए, कल दुनिया के रसां कसां विच निंदिया चुगली च लग गए, जो अंदर राग रागनियां हो रही सन, जो कीर्तन हो रहा सी जिसनों असीं अंदर जाके सुनना सीगा, जीवन सफल करना सीगा, वो दुनिया दे विच आके सौंगे है। महात्मा सानू बड़े प्यार नाल दसदे है कि यह इंसान का जन्म, कबीर साहब कहिंदे हर जन्म मास दा ही बनया, इहदे अंदर वड़ के पता लगदा है कि किस तरह परमात्मा ने रचना रची है, किस तरह इसके अंदर बाण बहारा वो परमात्मा ने लाइया हुई, वो सृजनहारा माली जो परमात्मा है वो भी अंदर बैठा है, लखां सूरज लख सितारे कबीर साहब कहते अंदर है, पर यह सब चीजा गुरु के द्वारे होके देख सकते हैं। साढ़े सतगुरु महाराज सावन कहते होंगे सीगे कि यह चीजा मटीरियल नहीं, जड़ नहीं, यह सारिया सूक्ष्म मन के पर्दे पिछे छिपिया हुई हैं। बता यह ख्याल हो गए कि कोई ये कहना अनेक चीज फंड अंदर कह कि असी किते हैं, कोई बच्चों ना खंड ना ब्रह्मांड नहीं मिलेगा, कह लगे नहीं, ये शरीर का हिस्सा नहीं, मन का पर्दा चुक दो, ये सामने है, अंदरों सानू पता लगता है। यह शरीर वाले वास्ते क्राइस्ट ने कहा सी कि मेरे पिता के अनेक भवन हैं, तो कह लगे थानू ना भवनों के विचों बाहर कढ़िया होया है, अंदर बजर कुआड़ लाया हुआ है। गुरु नानक देव जी भी महाराज कहते हैं अंदर महल अनेक है, हर जीव परे वसेरा, मन चंदिया फल पाए सी फिर होए ना फेरा। कहते अंदर अनेक प्रकार के महल उस परमात्मा ने बनाए है, वो हरि परमात्मा खुद अंदर बैठा है। अगर एक दफा असी अपने ख्याल में वो शब्द ना जोड़िए, इंद्रियां दे भार तो उपर आ जाएंगे, साडा दुनिया च आना जाना जिहड़ा फेरा है वो नहीं आउंदा। जिसकी आत्मा अंदर प्यास है मिलन दी परमात्मा नूं, वो भी साडा प्राप्त हो जाती है। सो इस वास्ते महात्मा सानू दसदे है, किसी ने शरीर नूं नवां दरवाजा वाला कहा, दो अखां दे सुराख है, दो कन्नां दे है, दो नक दे सुराख है, मूंह है, हेठ इंद्रियां दे सुराख हन दो, और इस दियां 12 मंजिलां हन,
6 चक्कर हैं, अंदर देखते हैं तो सानू पता लगता है कि कितना खूबसूरत है। अखां तो थले थले हिस्से पिंड कहते हैं, उपरले हिस्से बरमान सचखंड। सो महात्मा सानू दसते हैं कि जब तक असि इस पिंड दे विच बैठे हैं, साडे वक्रे वक्रे ख्याल है, वक्रे वक्रे साडे मजहब है, वक्रे वक्रे तरीके नाल असी उस परमात्मा की पूजा करते हैं, इसे करके असी एक दूसरे नाल लड़ते हैं, झगड़ते हैं, क्योंकि असी अलग अलग तरीके नाल इस भगवान नूं मिलते हैं। कोई कहता मेरे तरीके की पूजा ठीक है, कोई कहता मेरे तरीके की पूजा ठीक है। संत कहते हैं कि परमात्मा एक है, उसे मिलने का तरीका एक है, साधन एक है, वो थोड़े शरीर के अंदर है। महात्मा कहते हैं जेडे ये शरीर के 9 दरवाजे हैं, ये बाहर दुनिया की तरफ दिसदे जगत की तरफ खुलते हैं। जो 10वां दरवाजा है जिथे कि परमात्मा बजे का कुआड़ ला के बैठा है, वह अंदर की तरफ खुलता है, जिसनों के 3rd आई, 3रा दिल मुसलमान फकीर है, इसमें नुकता है सवैदा कहते हैं। जब असी उत्थे जाने हैं फिर पता लगता है कि वो परमात्मा एक है। साडे सतगुरु महाराज कृपाल कहते होंगे सी कि सान दो एक मकान च नहीं रह सकते, पिंड च नहीं रह सकते, तो साध हजारों ही एक मकान में रह जाते हैं, क्योंकि वह साधना करके वो सारे एक परमात्मा की भक्ति करते हैं। इस वास्ते जो परमात्मा एक है, मिलने का तरीका एक है, तो फिर किसी ने झगड़ा कर रहा है। झगड़ा इसे वास्ते ही है कि असी अंदर उस परमात्मा को मिले नहीं। इस वास्ते गुरु नानक कहते हैं कि हर मंदिर एवं शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। गुरु अमरदेव जी ने इसनों हरि का मंदिर कह के बयान किया है। हिंदू महात्मा ने इसनों नर नारायणी के नर और नारायण दोने ही इस देह दे विच बैठे हैं। जब भी परमात्मा नूं मिलेगा, आत्मा नूं फकर होएगा, नारायण नूं मिलेगी, अंदरों ही जाके मिलेगी। तो इस वास्ते लेकिन असी की करते हैं इस हरि मंदिर के अंदर, असी वड़न की कोशिश नहीं करते, इसकी सफाई में भी कोई कदे तवज्जो नहीं दिती, क्योंकि जिहड़ा मिट्टी का साडा शरीर है, असी आम तौर पर इहदे मांजे सवार नूं करी तां बहुत वक्त दिंदे हैं, हालांकि पता है कि एक दिन विंस जाना है, लेकिन अंदरों इहदे देखण की तरफ या खूबसूरती की तरफ असी कदे तवज्जो नहीं दिती। इस वास्ते गुरु साहिब सानूं प्यार नाल कहिंदे है कि साडे कन्न भी गुरु के राग करनियां सौंगे है, अखां दा प्रकाश देखण करनियां सौंगियां हैं, बंद हैं, हर इंद्री आपो अपने सवाल विच लगी हुई है जी। नैनो नींद पर दृष्ट विकार, श्रवण सोए सुन निंद विचार, रसन सोई लोभ मीठे साद, मन सो रसना जिसने नाम का रस चकना सी, प्रभु के रस की तरफ अमर की तरफ बेखबर हो गई है, शराबा पलाबा च लग गई है, और मन जो है माया के पदार्थों च लग्या है। सानू पता ही है कि जानवर उन्ना च ही झट उड़ते हैं जब तक वह बाज के मूह च नहीं आते। असी दुनिया के पदार्थों, दुनिया दी शक्लां, दुनिया दे स्वादां नूं उन्ना च ही अच्छा समझदे हैं, पहल दिंदे हैं। जब तक असी अंदरले स्वाद तो, अंदरले नज़ारियां तो बेखबर है, जब असी अंदर शब्द दे नाल जुड़ जांदे हैं, नाम नाल जुड़ जांदे हैं, तो प्यारे कौन, मैं मिसाल दे के दसदा हुंदा है कि
साडे हिंदुस्तान च जिस तरह रीति रिवाज है, बेशक अज पछम का रिवाज आ रहा है, बदल रहा है, लेकिन आम तौर पर अभी भी साडे पिंड अंदर ऐसा रिवाज है कि जब लड़की जवान हो जाती है, माता पिता ही फैसला करते हैं कि लड़की की शादी कित्थे करनी है, उसका नाम रखे आते हैं, लड़की की शादी कर देते हैं और लड़की अपने आप ही अगले घर जाके आपके माता पिता को छड़ जाती है, माता पिता का ख्याल ही छड़ जाती है। जिस घर के विच वो काफ़ी बड़ी जवान हुई होती है, उस घर विच बहुत थोड़ा जहा रात ही कटती है, क्योंकि अगे बाल बच्चे जाके प्यार पै जाता है, पति के नाल प्यार पै जाता है। इस तरह गुडियां बटोलियां दे नाल लड़कियां उन्हां चिर खेलदियां जब तक उन्हां दी शादी ना होवे। जो शादी हो जाती है तो पति के चरणों में प्यार पै जाता है। इस तरह संत महात्मा दसते हैं कि असीं उतना चिर ही विशे वकारां विच लगे हैं, दुनिया के खेलों में लगे हैं, जिन्ना चिर असीं उस परमात्मा तों विछड़े हुए हैं। अगर असीं लड़की नूं यह कहीए कि तू तेरी शादी कर दिए तो साडा प्यार छड़ दे, साडे विचों ख्याल कढ लै, वो लड़की सारी जिंदगी कामयाब ही नहीं हो सकती थी। जब असीं बगैर पुछिया उसकी शादी दूसरे घर कर दिंदे हैं, कहने की जरूरत ही नहीं, अगले पासे ख्याल जा जुड़ता है। इसे तरह संत महात्मा को पता है साड़ी कमजोरी का या साड़े मन की कमजोरी का, वो सानू प्यार नाल समझाते हैं कि देखो प्यारे, सब तो पहला साडे उत्ते संगत का बड़ा असर होता है। असर तो असीं शराबियां कबाबियां की संगत करते हैं, माया हारियां की संगत करते हैं, साडे अंदर भी उन्हों का रंग चढ़ना शुरू हो जाता है, असं भी एक बार शराब कबाब लग जाते हैं। अगर असीं मालक के प्यारियां की भगती करने वालों की संगत शुभ चले जाते हैं, साडे अंदर भी उन्हों का रंग चढ़ना शुरू हो जाता है, तो संगत का बड़ा जबरदस्त साडे उत्ते असर पैंदा है। जब भी कोई महात्मा बनया, बेशक वो कितना भी चोर सी डाकू सी, किसी संत की संगत में आकर महात्मा बनया, क्योंकि संत महात्मा के उत्ते परमात्मा ने बड़ी जिम्मेवारी देकर भेजा होंदा है कि तुसी किस तरह आत्मा नू मेरे नाल जोड़ना है, नाम दे रस्ते ते पौना है। पूरे संसार में आके अपनी बख्शिश तो किसी अपराधी तो भी वो ग्रेज नहीं करते गए, वो हर एक नू गले लाउंदे है। और एदू वध उन्हां दी की दया असीं बयान करदे हैं, कर सकते हैं। सो इस वास्ते आप कहण लगे कि असीं माया दे विच उन्हां दी कि साडा मन सुता है, जिन्ना चिर असीं उस परमात्मा की भगती नहीं करते उहदे नाल असीं जुड़ नहीं जांदे। रस ना सोई लोभ मीठे साद, मन सोया माया बिस्माद, इस ग्रह में कोई जागत रहे साबत वास्ते ओ जो शब्द ना जुड़ जाता है, नाम ना जुड़ जाता है, वो इस शरीर में रहता हुआ जाग पड़ता है। हुण असीं प्रभु कोलों सोए हुए हैं, दुनिया कोलों जागते हैं, फिर की है दुनिया तरफ सोना शुरू करते हैं, परमात्मा की तरफ जागते हैं। जो महात्मा अंदर नाम ना जुड़ जाते हैं, कोई भगती जाग कहते हैं, वो ही जागते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं एको सतगुरु जागता हो सुती पाई, सारी दुनिया सुती है, एको मालक का प्यारा ही जागता है। कबीर साहब जी कहते हैं सुखिया सब संसार है, खाए अर सोए, दुखिया दास कबीर है जागे अर सोए। मालक के प्यारे रात में जागते हैं, मेहनत करते हैं, क्योंकि तो सानू पता है कि दुनिया की कोई भी वस्तु बगैर मेहनत प्राप्त नहीं होंगी। नाम की दौलत भी साड़ी बड़ी कुर्बानी मनती है, बड़ी मेहनत मनती है, अगर सस्ती ही मिल जाती तो गुरु नानक जी 11 साल ठीक रहा विछावा ना करते। गुरु अंगद देव ने बड़ी सेवा की, बड़ी कालना काली,
ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦੇਵ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਦ ਨੀਂਦ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੱਲੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਜੈਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਪੈਂਡੇ ਮਾਰੇ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸੋਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਸ ਦਾ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਆਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਵੈਸੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੁਸਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿ ਹਰ ਦੌਲਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਤੋ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਗਤ ਰਹਿ ਸਾਬਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਬਤ ਵਸਤੂ ਦਾ ਸਾਲ, 20 ਸਾਲ, 50 ਸਾਲ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪੂੰਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਮਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਪੂੰਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਚੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਗਤ ਰਹਿ ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕੰਨ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਰੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਵਾਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਥੋਂ ਇਸਨੇ ਬਿਆਈ ਕਰਾਈ, ਅੱਖਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੇ ਬੁਰੇ ਤਰਫ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੇ ਰਾਗਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਨੇ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਜਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ, ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਭਰਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਕਦ ਖਾਦ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਦ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬੇਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਵੀ ਹਰ ਜੀਵ ਦਾ ਬੜੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਗਲ ਸਹੇਲੀ ਆਪਣੇ ਰਸਮਤੀ ਕਰੇ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਹਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਗਲ ਸਹੇਲੀ ਆਪਣੇ ਰਸਮਾਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਆਪਣੇ ਕੀ ਖਬਰ।
पंच बटवारे सुने नगर परे ठग हारे। गुरु अर्जुन देव ने सानू बड़े प्यार नाल दस्सिया कि गुरु दी बिखी नाल असीं सारियां सहेलियां हां, सब असीं अपने घर तों पुज्जियां होईयां हां। हां, अगर सानू साडे घर दा पता होवे असीं सब उधर नूं तुर पईए। अज इह दुखी दुनिया च तड़फदी दुनिया च आके क्यों असीं अज दुखी होईए? हुण गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे है कि एक है, इहनूं लुटण वाले पंज है। किसे महात्मा ने उन्हें डाकू कह दिता, किसे ने बटमारे कह दिता, किसे ने चोर कह दिता, किसे ने लुटेरे कह दिता। वो काम है कह लगे एक है आत्मा, इस लुटण वाले पंज है। फिर ये अपने अंदर बढ़ के पहरा नहीं दे रही, मन जेड़ा है वो बाहर ही बाहर लीक करता है। किस तरह शरीर दे विचों निकल के कौमा मरिवा विच बाल बच्चियां विच ये फसी हुई है, लुटेरे अंदर है। सानू पता है जिस घर का मालिक करे ना होवे, लटेरे आके बढ़ जान, वो जो मर्जी है ले जान, जो मर्जी छड़ के जान। यही हालत साड़ी है प्यारियो, असीं घर तो बाहर हाँ, लटेरे पंजे डाकू साडे अंदर है। ये हुण इन्हां दी मौज है कि साडे अंदर कोई छड़दे रूहानियत दा या सब कुछ लुट के लै जांदे है। इस वास्ते आप प्यार नाल कहिंदे है कि मूसल हार पंज बटवारे। आप कहिंदे पंज जाने इस नूं लुट रहे है जी। मुसल हार पंच बटवारे सुने नगर परे ठग हारे। उन तेरा खे बाप न माई, उन तेरा खे मीत न देखो प्यारे दिल च ख्याल होना है कि वो पंज है कि सानू ना पंजां दे कोलों कि साडी माता छुड़ा देगी, पिता छुड़ा देगा, या भैण भरा छुड़ा देंगे, या मित्र दोस्त असीं बहुत बनाउंदे हैं कि वो छुड़ा देंगे। वो कित्थों छुड़ा देंगे? उन्हां दे तां आप विचारां दे घर लुकी दे है। जिहदा आप घर लुकी दा है वो दूसरे तक किवें बचा सकदा है? इस वास्ते आप प्यार नाल कहिंदे है कि उन्हां तों कोई सानू बचा नहीं सकदा गा। और जेड़े चोर है वो अंदर काम हो बैठे है जी। उन तेरा के बाप न माई, उन तेरा के मीत न पाई। दर बसे आनप ना ओए रहते, साध संग ओए दुष्ट वस होते। और गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं मतलब कि इधर ख्याल हो गए कि वो धन पदार्थ के नाश घरों निकल जाएंगे। कहने लगे नहीं, फिर दिल च ख्याल होना है कि शायद पढ़ पढ़ाई ना आई, क्योंकि अज रवाज असीं देखी जाने हैं सब का पढ़न पर जोर है, जो पढ़ते हैं उन्हें समझण पर जोर नहीं गा। इस वास्ते आप कहने लगे कि रावण चार वेदां दा पंडित सीगा, वो काम दे तो तबाह हो गया कि असीं उहदी आए साल उत्तरी भारत दे विच नकल बना के साड़दे हैं। अगर पढ़ पढ़ाई दे नाल वो वस दे विच आउंदा, घरों निकलदे होंदे तां प्यारे वो काम दे हथों तबाह ना होंदा, अपनी इन्नी बेइज्जती ना करवाउंदा। लेकिन नहीं, गुरु अर्जन देव जी महाराज जो कुछ कह रहे हैं उन्हां दा जाति तजर्बा है, क्योंकि संत महात्मा सुनिया सुनाइया गलां नहीं करते होंगे। उन्होंने पता है कि ये लुटेरे की कर रहे हैं, ये किस तरह कबीर साहब जी कहते हैं जागो प्यारे, मुसाफिर जागते रहना नगर में चोर आते हैं। कहते जागो, थोड़े नगर ये डेरे विच चोर आते हैं, काम का बेग उठता है, इंसान सुता पिया होता है, की हरकत करवाता है, क्रोध का बेग उठता है, ये तो बुरे
हर किरा लेना है अली क्रोध दे वास होके ही प्रा प्रा दा सिर जेड़ा है वो गज मुंडी दी तरह ला रहा है। सो इस वास्ते आप आना कह रहे हैं जो साध दसदा है वो करिए के महाराज जी सावन सिंह कहते हुए कि दवाई लिया के आले विच रख दी आले च पई दवाई फायदा नहीं करती थी साड़ी यही हालत असं दवाई लिया के आले विच रख देने हैं और डॉक्टर नूं बुरा भला कह लगे पे हैं दसो भी डॉक्टर का की कसूर है जिन्हें दवाई लैंदी है डॉक्टर तो शौक ना उन्हों असी खाइए भी जो परहेज डॉक्टर ने दसे है वो भी असी रखिए। इस तरह संत भी सानूं दसदे है कि देख क्या रहा किसी दरखत का पता लगता है उसका फल खाण का नाम जपड़ना पता लगता है कि नाम ने की फायदे है इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं कोई ऐसा साध मिल जाए जिन्हें साधना की हो सो इस वास्ते आप प्यार ना कहेंगे ऐसे साध वो परमात्मा की तरफ संसार में आते हैं ये नहीं के मालिक उन्होंने 200-400 साल का भेजा हूँ उन्होंने रास्ता बंद कर दिता है ऐसा नहीं जिन्होंने दिल में शौक हट जाता है या परमात्मा मेहर नहीं करता सिर्फ वो ऐसे लोग ही सोचते हैं जिहड़ा बच्चा अज पैदा होया है उन माता पिता की अज की जरूरत है उन्होंने भी दुध की जरूरत है जिहड़ा अज तो 2 युग पहला पैदा होया सी उसनू भी माता पिता की या दुध की जरूरत सी जिहड़ा गाहां पैदा होने उन्हां वास्ते भी है जे पहला वो मालिक ने आपके प्यारे भेजे नाम के नाल जोड़न वास्ते वो अज भी भेज रहा है अगे नूं भी भेजेगा इस वास्ते आप प्यार नाल कहिंदे है कि ऐसा नहीं गा तो साध संगो दुष्ट वसो आप कहने लगे जो असि वो साध के नाल जा संगत करते हैं नाम लेने हैं साध सानूं की कहिंदे है देख प्यारिया सब तो पहला वो सानू सिमरन देंगे वो सिमरन किताबा जो पढ़ के नहीं देंगे वो उन्होंने कमाया होंगे है जिसे पिछे उन्होंने तप त्याग काम करता है। महाराज सावन सिंह कहते होंगे सी कि अगर नाम लभ जी हो तो एक चरखा करती लड़की भी दस सकती है नाम तवजो होंगी है महात्मा अपने तवजो के नाल ही सारी सुरत उपर उभार होंगे है इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं कि साध संगो दुष्ट वसो वो कहते देख भी कि सिमरन कर सिमरन करने का की फायदा है कि साड़ी आत्मा की इस तरह सफाई होंगी है जिन्हें आप झाड़ू के नाल मकान साफ करते हैं आत्मा का शीशा साफ हो जाता है पहला जो ख्याल साड़ा दुनिया के फैल चुका है पुत्रा दिया कौम परिवार के तीसरे दिन से अकाग्र करना है फिर जो उपरों आवाज आ रही है उसको पकड़ना है इस वास्ते जो नाम दान देते हैं महात्मा को अच्छी तरह बड़े प्यार समझाते हैं। दर बसे संग ओए दुष्ट वस होते कर कृपा मोए सारंग पान संतन तूर सर्व निधान आप यार ना कहेंगे कि हे प्रभु मैं पतीहे की तरह तेरे अगे अरदास कर रहा हाँ तू कृपा कर जब प्यास लगी है उस वेले कोई पानी दे दे असीं उहदी बड़ी कदर करते हैं अगर बगैर प्यास तो कोई प्यावे असीं कई नखरे भी कर बैठते हैं ये पानी की रहा है कि पीने वाला है
ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਗ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਰਾਗ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਨਸੇਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਗ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਾਨਸੇਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਦੀ ਕੌਣ ਕਦਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਧੁਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਂ ਦੁਆਰੇ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪਰਦੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਥੂਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਾਰਨ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੈ, ਜਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਜਾਗ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਸੁਰਤ ਸਮਾਰ ਲਾਲ ਦਿਰ ਕੇ ਰਹੋ, ਤਨ ਮਨ ਦਰਪਨ ਮਾਨ ਸਾਰ ਸੁਰ ਸੇ ਰਹੋ, ਲਗਨ ਲਗੇ ਲਗ ਸਾਰ ਤਬ ਪਾਇਆ ਅਰੇ ਹਾਰੇ, ਸੰਤ ਜਨ ਕੀ ਧੂੜ ਨੂਰ ਦਰਸਾਇਆ। ਉਹ ਨੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਾ ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂੜੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਏ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣ, ਸੰਤਨ ਤੂਰ ਸਰਭ ਨਿਧਾਨ, ਸਾਬਤ ਪੂੰਜੀ ਸਤ ਗੁਰ ਸੰਗ, ਨਾਨਕ ਜਾਗੇ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੋਭਤ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਪੂੰਜੀ ਅਸੀਂ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, 20 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਹੋਰ 50-100 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਸਾਬਤ ਪੂੰਜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜੋ ਸਾਬਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਕਰੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰਾਂ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲੜਕਾ ਅੱਛਾ ਕਾਬਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਤਾਜ ਹੈ ਘੁੰਮਰ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੇ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖ ਕਰੀਏ, ਪਰਖ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲ ਲੇਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਤਾਜ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਲੜਕੀ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦ ਐਸਾ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਲਾਲਚ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਇੱਕ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਵਿਚੇਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਸੜਕ ਦੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਖਾਣੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਚ ਰੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨੋਟ ਪਏ ਹੈ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਰਾਗ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ ਚ ਜੋ ਮਿਲਿਆ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਵਾਲੇ
उन्होंने क्या बाहर जाके की लिया है, पैसे हैगे है ये है, जिंदगी अच्छी बसर करांगे। जेडे उस तो जरा सियाने से वो होर थोड़े अगे हुए, अगे रुपए पे सी नोट पे सी, वो चाके खुश हो गए, खुशहाल मुड़े। जेडे होर स्वाद जिन्हें गीर के चस्के लगे सके वो अच्छे खाने पर बैठ गए। जेडे शराबा कबाबा की रजत वाले से वो शराबा कबाबा बैठ गए। एक मजबूत दिल वाला लड़का सीगा जिसने ये सोचा कि ये चीजा तो मैं फिर भी कर सकता हाँ, क्यों ना बादशाह को मैं पाला और मैं तालीम भी हासिल करा, लड़की ने शादी करावा। तो ना तो किसी खाने पर अड़किया, ना किसी रंग रंग से अड़किया, ना किसी पैसे तके फसिया। उसने उन्हें आपकी खोल जा भी रखी। अगे दिन छिपन वाला सीगा, वो भी बादशाह के पास पहुंच गया। देखिया माली के रूप मेरे बचेरे कपड़े सीगे, सानू पता है कि मत्था सब कुछ दस दिता है कि मत्थे च की है, पर पछाण वाला भी कोई कोई हुंदा है। जब उसने देखिया कि माली के भेस विच राजा है माली नहीं, हाथ जोड़ के कह लग्या कि हुण तुसीं प्रगट हो जाओ महाराज, दिन छिप गया है, मैं तुहानू लभ लिया है। तो राजा ने की कीता, लड़की की शादी कर दिती, ताज उसनू पहना दिता। ये एक कहानी है। सच्चाई ये हुंदी है कि परमात्मा अपनी भगती रूपी लड़की की वो किसी ऐसे भी भाव विच रहिंदा है कि मैं देवा कि जिहड़ा मैनू ही चाहुंदा होवे, और मैं नाम का ताज भी उसनू दे देवा, उसनू ये जिम्मेवारी भी देवा कि तू जिसनू भी नाम दे के लियाएगा मैं उसनू आपके कोल जगह देवगा। तो ऐसा जो आत्मा हुंदी है, मैं दसदा हुंदा कि इहनां दे उत्ते ना अमीरी का फर्क पैंदा है, ना गरीबी का फर्क पैंदा है। मैं देखिया कि जे राजा घरां विच पैदा होए ओह इस बादशाह नूं लत मार के फकीर हो जांदे है, अगर कोई गरीबी च पैदा होया तां उहदे उत्ते कोई गरीबी का असर नहीं होया। संत बड़े बड़े जामे पैदा होए, गरीबा च नहीं आए, जिवें रविदास आए, कबीर साहिब आए, उन्हां दे राजे महाराजे सेवक सन। लेकिन जो अपना किता हो करदे सन रोजी रोटी कमाउण दा, ओह करदे रहे। कबीर साहिब जी सारी जिंदगी ताणा आउंदे रहे, अपनी परमिश करदे रहे, उहदे विचों वी साध संगत की सेवा करदे रहे, लंगर च पाउंदे रहे। रविदास जी सारी जिंदगी जुतियां करते रहे, हालांकि राजे महाराजे उन्होंने भी सेवक से अच्छे महला रख सकते थे, वो एक छपरी रेंगे सके। उन्होंने ईशी के आता है कि मीरा बाई ने जी उन्होंने सेवका से किसी ने ताना मारिया कि आम महला रही है, गुरु चौंपड़ी ही रहा है। सानू पता सबने हिंदी है कि सेवक अपना ताना बर्दाश्त कर जाता है, गुरु वास्ते ताना बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो आई करो नाल ले आई, कह रहे महाराज जी आप तुसी बेच के अच्छे सारे मकान बना लो, अच्छी जिंदगी बसर करो। वो कह लगा देख बेटी मैंने जो कुछ मिलिया है ये ऐस जुतियां गठन के विचों मिलिया है, अगर तेरे लोग ताने मार रहे हैं तो अंदर बैठ के अपना भजन व्यास कर लिया कर। दिल च ख्याल आया कि शायद ये महात्मा हुण तां नहीं लैंदा गा, मैं इत्थे रख लिया नहीं झोंपड़ी दे विच, ये पिछों कढ़ के अच्छे अच्छे मकान बना लेगा, अच्छी गुजर करेगा। जब वो साल तो फिर आए, दिल च ख्याल सी कि महात्मा जी तां बड़े अच्छे मकान विच अच्छा फर्नीचर फिट होएगा रहिंदे होणे आ, आके देखिया उत्थे उह हालत सी। कहिंदी महाराज जी मैं तुहाडे वास्ते इक लाल रखदी सी। वो कहने लगे बेटी उठी क्या है जिसे तू रखिया है। इसे तरह कबीर साहब की ईशी तो पता लगता है साढ़े सतगुरु महाराज जी
सफल किसान सन महाराज सावन सिंह भी आप लंगर के पाते रहे। महाराज कृपाल अपनी पेंशन के गुजर करते रहे। मेरा कहने का भाव गुरु नानक जी की पढ़ के देख लो तो गुरुआ जी किस तरह उन्होंने भी खेती की। गुरु नानक ने करतारपुर बेड़िया वसाया, खेती करी, अपनी परवरिश की, अपने बच्चों की। सो इस वास्ते इन्होंने महात्मा जैसिया आत्मा हुई हैं उन्होंने गरीबी या अमीरी का कोई फर्क नहीं पैदा गा। और वो हमेशा वो परमात्मा के नाल जुड़े रहते हैं, वो इस तवज्जो ही नहीं देंगे दे। और सेवकां भी कहते हैं कि देखो कह रहे जब तक तुम अपना कमा के नहीं खाओगे उन्ना चिर थोड़े अंदर सफाई नहीं हो सकती थी। हमेशा इस पर जोर देंगे हैं। मैं एक निजामदीन औलिया की भी कहानी दसदा हुंदा है कि किस तरह वो किसानी करते होंगे सके। जब घरों तुरते अपने बंधा के मूह के अगे छिकला दे लेंगे सके और अपना सिमरन करते जाते। एक दिन वो छिके देने भुल गए। मौलवी लोग रोटियां जो मैं मंग के लवे है खाते नहीं है वो तुपे सका लेंगे है। रोटियां सुकियां सुकड़िया रखी हुई सन बल जाते कि छिके देने भुल गया सीगा। उन्हें रोटियां दो चार मुंह मार ले कह लगे भाई देखा पछता लगे। मौलवी ने आवाज फड़ी कह लगे तू ना होया है इन्हों ने मगर आना है तू इन्हों हटाया नहीं। वो चुप खामोश वो कहना भी तू मेरी गल का जवाब क्यों नहीं दिता। वो कहना भी तेरे जवाब नालों चुप्पी चंगी है सारी जिंदगी बोल मेरी दसा ना होगी किरण का चारा खाते रहे ये तन तोड़ के काम करते रहे तेरिया मंग दियां रोटियां हैं हूँ ये खाएंगे ये काम करना हट जाएंगे। मैं इन्हों की कमाई खाऊंगा तो मेरा भजन किस तरह बनेगा। इस तरह साढ़े सतगुरु महाराज जी बाबा सावन सिंह तो सामान की कमाई के बड़ा जोर देंगे होंगे सके। उस संगिया कहते होंगे कि यह मुफ्त ना खाओ वो कम कर दिया। तो कह का भाव लिया कि ऐसा आत्मा जगह एक नमूना बन के दुनिया चाहिए और साबत पूंजी सतगुरु साहब कह लगे वो जो पूंजी परमात्मा ने उन्होंने दिखी है जिन्हों वास्ते उन्होंने जिम्मेवारी है इन्होंने नाम ना जोड़ना है वो जरूर वो परमात्मा के दरबार अपनी पूंजी लेके जाते हैं जी उम्र है उसमें सुखल करके जाते हैं। सो गुरु अर्जन देव जी ने सानू बड़े छोटे जे शब्द प्यार समझा दिता है कि किस तरह असी उस परमात्मा को भुल गए हैं। वो परमात्मा साडे शरीर विच है आपने बड़े प्यार में दसिया असी उसकी खोज बाहर ग्रंथा कोठिया विच और उजाला पहाड़ा विच करते हैं। वो अंदर है किस तरह जीव जिहड़ा है ये अंदरों लुटिया जा रहा है काम क्रोध लोभ अहंकार जब संतों ने दिते हुए नाम की कमाई करते हैं अंदर आके बैठ जाते हैं। जो घर का मालिक अपनी आई पर आ जाता है कि मैं चोरों की या ठगा बर्दाश्त नहीं करता गा वो चोर भी चले जाते हैं। जब पुलिस का राज हो गया ये जो चोर डाकू निकल जाते हैं जब चोरों का राज है तो पुलिस उत्थे नहीं। सो साडे अंदरों ये जिहड़ियां काल दियां ताकतां हन काम है क्रोध है लोभ अहंकार जिहड़े पंजे लुटण वाले है ये बाहर आ जांदे है। इहदी जगह सत संतोख दया खिमा ये गुण पैदा हो जांदे है। अहंकार चलिया गया खिमा आ गई क्रोध चलिया गया इस तरह लोभ चलिया गया संतोष आ गया। कहण दा भाव
कि गुरु साहब ने बड़ा सानू प्यार नाल शब्द विच समझाया कि किस तरह साडे कान नहीं सुनते मालक दी तरफों, ओहदा राग नहीं सुनदे गे, किस तरह अखां सुनाउंदियां और किस तरह से परमात्मा नूं भुल के अपनी जो पूंजी परमात्मा ने सानू दित्ती सी, इंसान दा जन्म इक तोहफा दित्ता सी, इस नूं जे असीं गवा के चले जांदे हां तो कहेंगे जिन्हां नूं गुरु मिल जांदा है, नाम मिल जांदा है, साबत पूंजी ओही लैके जांदे है जी। साबत पूंजी साते गुरे संग नानक जागे पार ब्रह्म के रंग, सो जागे जिस प्रभ कृपाल ए पूंजी तन माल। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ओही जागदा है, ओही सात पूंजी जांदा है, जिस ते परमात्मा दयाल हो जांदा है, ओही अंदरों प्रेरदा है, ओही फैसला करदा है कि इहनूं नाम मिलना है या इस गुरु ते इतबार आएगा या नहीं आएगा, या ये कमाई करेगा या नहीं करेगा। जिस तरह दुख सुख गरीबी अमीरी बीमारी तंदुरुस्ती सब कुछ साडे अंदर पहला ते मौजूद है, लिखिया है, वक्त ते आके घटना करनी है। इसे तरह नाम भी पहला तो ही मुकर्र है कि इस नूं कद मिलना है, किहड़ा टाइम है। अगर साडे अपने वस विच हुंदा, गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे आ आपां लिया जे मिलिया विछड़ को रवान, हे परमात्मा साडे अपने वस विच हुंदा असी तेथों विछड़ के क्यों फिरते हैं, ये तो सब कुछ तू आपके हाथ में रखा है, किनू भगती में लाना है, किनू हटाना है। सो सानू ही चाहिए है कि परमात्मा ने मेहरबानी करके दया करके सानू अपना इंसानी जामा दिता है, जो काम असी होरा जामे च नहीं कर सकते परमात्मा की भगती है, इस चो फायदा उठाइए। साबत पूंजी साते गुर संग नानक जागे पार ब्रह्म के रंग, सो जागे जिस प्रभ कृपाल ए पूंजी साबत तन